दोस्तों नमस्कार, आप इधर क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 14 सितंबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आज होने वाला है सुपर फोर का सबसे इंटरेस्टिंग महामुकाबला, जहां पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोलंबो के स्टेडियम में आमने सामने होने वाले हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया कप का ये मैच होने वाला है, क्योंकि भाई जोन सी टीम इस महामुकाबले में जीत दर्ज करेगी वही टीम हमें एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ 17 सितंबर को खेलती हुई नजर आएगी, जिसके चलते दोनों टीमें बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी तैयारियां कर रही है इस महामुकाबले के लिए। ऑलरेडी यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, 5 बड़े बदलाव इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कर दिए, इनकी प्लेइंग 11 को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि भाई अगर यहां पर इंडिया आसुरी आपके यहां पर श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले में बारिश आ जाती तो भाई कौन सी टीम यहां पर एशिया कप 2023 के फाइनल में क्वालिफाई करेगी। तो भाई आपको बताना चाहूंगा कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा अगर यहां पर मैच नो रिजल्ट रह जाता तो। ऐसे में यहां पर जो सब कुछ सीनेरियो है पूरी तरह से नेट रन रेट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और नेट रन रेट के मामले में फिलहाल श्रीलंकन टीम काफी आगे है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही घटिया तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उनकी नेट रन रेट काफी ज्यादा माइनस में है। ऐसे में बारिश की वजह से श्रीलंकन टीम को यहां पर बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स के बारे में, तो आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को देख पा रहे, जहां पर भाई थोड़ी सी बुरी खबर यहां पर है। 90% यहां पर आज भी रेन के चांसेस दिखाए जा रहे हैं, यानी भाई बारिश यहां पर आपकी डेफिनेटली महामुकाबले में इंटरप्शन डालने वाली है। लेकिन भाई हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि भाई बारिश यहां पर परेशान ना करे, मैच का रिजल्ट हमें कुछ यहां पर देखने को मिले। लेकिन उन तो मैच टाइम तो यहां पर 95-100% रेन के चांसेस दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के नेक्स्ट महामुकाबले को लेकर। जहां सुपर फोर में भारतीय टीम ने अपने 2 महामुकाबले खेल लिए हैं, दोनों महामुकाबलों में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक अंदाज से टीम इंडिया ने जीत दर्ज किया, जिसके बाद सभी फैंस को भारतीय टीम के नेक्स्ट महामुकाबले का इंतजार है। और सुपर फोर में भारतीय टीम अपना अगला महामुकाबला कल यानी 15 सितंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोलंबो के ही स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। लेकिन इस महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिन खिलाड़ियों को अभी तक यहां पर खेलने का मौका नहीं मिला था वो खिलाड़ी हमें प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। आपके यहां पर जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो अभी हाल ही में इंजरी से रिकवर होकर टीम में कमबैक कर रहे हैं, उनको इस महामुकाबले में रेस्ट पर रखा जा सकता है। आपके जसप्रीत बुमराह यहां पर रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, उसके अलावा केएल राहुल को भी यहां पर रेस्ट दिया जा सकता है। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव में टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आ सकते हैं, वही बॉलिंग डिपार्टमेंट में प्रसिद्ध कृष्णा में कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है बेन स्टोक्स को लेकर। जहां कल यहां पर जो आपको पता है भाई बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आपस में वनडे सीरीज खेल रही है, उस वनडे सीरीज का एक मैच कल हमें देखने को मिला, जहां पर भाई सबसे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन यहां पर लिया। बेन स्टोक्स जिन्होंने हाल ही में टीम के लिए कमबैक किया है, कल उन्होंने यहां पर बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हां, ओडीआई फॉर्मेट में लगभग 6-7 साल के इंतजार के बाद उन्होंने यहां पर ताबड़तोड़ शतक जड़ा, लेकिन शतक कैसा जड़ा कि भाई सब उनको याद रखेंगे। उन्होंने अपने ओडीआई करियर का हाईएस्ट स्कोर यहां पर किया है, जी हां 182 रनों की पारी उन्होंने वहां पर खेली और उस पारी में इतने छक्के चौके शामिल थे, सीरियसली भैया मतलब अगर आप हाईलाइट्स देखें तो भाई सीरियसली आपको मजा आ जाएगा। इस महामुकाबले में आपकी यहां पर टीम के और बल्लेबाज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन बेन स्टोक्स ने यहां पर धमाल कमाल करके दिखा दिया।
दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन गेम्स 2023 को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को पता है कि शायद 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर से क्रिकेट फॉर्मेट का एशिया कप 2023 में आगाज होगा। भारतीय मेंस और वुमेंस दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोस्तों मेंस की टीम में एक बड़ा चेंज यहां पर हो गया है। आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ हमें टीम इंडिया को यहां पर लीड करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में यहां पर एक चेंज हमें देखने को मिला है, चेंज यहां पर बोलिंग डिपार्टमेंट में हो, जहां पर एशियन गेम्स 2023 से जस्ट पहले टीम इंडिया के गेंदबाज शिवम मावी को यहां पर स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन शिवम मावी गंभीर इंजरी का शिकार हो गए, जिसके चलते एशियन गेम्स 2023 से वो पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गए हैं, और उनके रिप्लेसमेंट की विकल्प फाइनली यहां पर बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया, जहां पर उमरान मलिक को यहां पर भारतीय टीम में शामिल किया गया, और डेफिनेटली हमें प्लेइंग 11 में भी हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जो इस साल के अंत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हमें भारत के 12 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक, शानदार ये टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट की सभी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी यहां पर आईसीसी ने रिवील कर दिया है, पूरा शेड्यूल आ चुका है, लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वाड्स का भी ऐलान कर दिया। कल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जहां पर नवीन उलक फाइनल टीम में कमबैक करने के लिए जा रहे हैं, जिससे भाई अब यह तो साफ हो गया कि भाई वही रीजन था विराट कोहली वर्सेज नवीन उलक, जिसके चलते नवीन उलक को एशियन गेम्स के लिए, सॉरी एशिया कप के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से वो टीम में कमबैक करने वाले हैं। सभी टीमों के स्क्वाड्स यहां पर फाइनलाइज हो चुके हैं, और हमने सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर। जी हां, एशिया कप 2023 के जस्ट बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 3 मैचों की बहुत ही जबरदस्त वनडे सीरीज खेलने वाले हैं। वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुका है, लेकिन सीरीज के लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग हमें बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है। जी हां, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहां पर रिवील हो गई है, जहां पर मोबाइल में जियो सिनेमा टेलीकास्ट करने वाला है, और एक और बड़ी खुशखबरी है, जी हां, 4K क्वालिटी में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लाइव टेलीकास्टिंग हमें जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते मैच को देखने का नजरिया, मैच को देखने का रोमांच यहां पर और ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स को लेकर, जहां पर भाई आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक हमें बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हां, यदि यहां पर भारतीय टीम बांग्लादेश को सुपर फोर में हरा देती है, उसके बाद एशिया कप 2023 के फाइनल में भी टीम इंडिया जीत जाती है, ऐसे में काफी लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से हमें टीम इंडिया ODI फॉर्मेट में नंबर 1 के पद पर देखने को मिलेगी। T20 फॉर्मेट में ऑलरेडी धमाल कर रखा है, ODI फॉर्मेट में अगर फिर से टीम इंडिया बाउंस बैक करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तैयारियों के साथ अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में उतरने वाली है। तो दोस्तों, यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।